देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना किस हद तक फैल चुका है, इसकी रिपोर्ट आ गई है। सीरो सर्वे से पता चला है कि दिल्ली की 23.48% आबादी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुकी है। इसका एक मतलब ये भी है कि दिल्ली के हर चौथे शख्स में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले में अब गिरावट आ रही है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी कह चुके हैं कि दिल्ली में कोरोना संभवतः अपने पीक पर पहुंच चुका है। ऐसे में आप दिल्ली के हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने यानी कोरोना प्रूफ होने की उम्मीद बढ़ गई है। सीरो सर्वे का यह ताजा डेटा केंद्र सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है। सीरो सर्वे 27 जून से 10 जुलाई के बीच हुआ था। इसे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और दिल्ली सरकार ने मिलकर किया था। सर्वे में यह भी आया कि ज्यादातर लोग बिना लक्षण वाले हैं। डेटा जारी करते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने राहत जताई और कहा कि महामारी के 6 महीने बीत जाने के बाद भी दिल्ली में 23.48% लोग ही इसकी चपेट में है। सरकार ने कहा कि ऐसा कोरोना लॉकडाउन लगाने, कंटेनमेंट जोन बनाने की वजह से हुआ। लोगों के सहयोग की भी काफी तारीफ की गई है। सीरो सर्वे में दिल्ली के सभी 11 जिलों को कवर किया गया था।